हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू क्लास 11th। मेरा नाम है काजल सिंह और मैं आज से आप लोगों को क्लास 11th का मैथ क्लास कराऊंगी, जिसमें चैप्टर 1 है हम लोग का समुच्चय, यानी जिसको इंग्लिश में कहते हैं सेट। समुच्चय इसको इंग्लिश में कहते हैं सेट। सबसे पहले तो हम लोग ये जानेंगे कि समुच्चय किसे कहते हैं। तो समुच्चय का मतलब होता है किसी चीज का समूह या संग्रह, या किसी झुंड को समुच्चय कहते हैं। इसको हम लोग इस प्रकार परिभाषित कर सकते हैं। वस्तुओं के सुपरिभाषित संग्रह को समुच्चय कहते हैं। एग्जाम्पल में जैसे मान कर चलो कि जैसे जानवरों का समूह, मानकर चलिए कहीं कहीं पे हम लोग देखते हैं कि कहीं फील्ड या कहीं भी 10 गाय चर रही है एक साथ, तो क्या हुआ, हम लोग का एक समूह हो गया। जैसे और एग्जाम्पल नंबर 2 देख लेते हैं, धार्मिक ग्रंथों का समूह। धार्मिक ग्रंथ यानी क्या, महाभारत हो गया, रामायण हो गया, बाइबिल हो गया, कुरान हो गया, ये सब क्या हुआ हम लोग का धार्मिक ग्रंथ हो गया। ये सब हम लोग का क्या हो गया, धार्मिक ग्रंथ हो गया। तो हम लोग क्वेश्चन 1 पे चलते हैं। हम लोग एक्सरसाइज 1.1 में क्वेश्चन नंबर 1 दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 1 क्या पूछ रहे हैं हम लोग का, जे अक्षर से प्रारंभ होने वाले वर्ष के सभी महीनों का संग्रह, यानी कि ऐसे महीनों का नाम लिखना है यहाँ पे जो जे अक्षर से शुरू होता हो। तो हम लोग का ये जे अक्षर से शुरू होने वाले महीने कौन कौन से हैं। एक तो हो गया हम लोग का जनवरी, दूसरा क्या हो गया फरवरी, मार्च, अप्रैल, ये तो नहीं आता है, मई भी नहीं आता है, जून हो गया, जुलाई हो गया, इसके आगे तो कोई नहीं आता है, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, ये तो जे अक्षर से शुरू होने वाले नहीं है। तो हम लोग का क्वेश्चन 1 का ये आंसर हो जाएगा। अब 2 नंबर क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, भारत के 10 सबसे अधिक प्रतिभाशाली लेखकों का संग्रह। हम लोग तो ये नहीं कह सकते कि कौन लेखक प्रतिभाशाली है कौन नहीं है, ये तो हम लोग कह नहीं सकते, क्योंकि हर लेखक का अपना अलग सोच होता है, टैलेंट होता है, इसीलिए प्रतिभाशाली लेखकों को हम लोग परिभाषित नहीं कर सकते, इसलिए यह समुच्चय नहीं है। लिखना यह समुच्चय नहीं है। और ये महीना तो ये हम लोग का एक समूह है, निश्चित है, इसलिए यह क्या है, समूचे है। अब क्वेश्चन नंबर हम लोग आगे देखते हैं, तो आप लोग समझ ही गए होंगे कि जी अक्षर से प्रारंभ होने वाले महीने हैं जनवरी, जून और जुलाई, यह इसीलिए यह समुच्चय है। और भारत के 10 सबसे अधिक प्रतिभाशाली लेखकों का संग्रह पूछ रहे हैं हम लोग का यहाँ पे, तो कोई भी लेखक को हम नहीं कह सकते कि प्रतिभाशाली है, इसीलिए यह समुच्चय नहीं है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 3 पूछ रहा है, विश्व के सर्वश्रेष्ठ 11 बल्लेबाजों का संग्रह। तो
सर्वश्रेष्ठ बल्लेबाज को परिभाषित हम लोग नहीं कर सकते, अतः यह क्या है? समुच्चय नहीं है। यहाँ पे लिखना यह समुच्चय नहीं है, क्योंकि जो सर्वश्रेष्ठ बल्लेबाज है वो तो अपने टैलेंट के ऊपर है, क्योंकि कौन बल्लेबाज कब अच्छा खेल जाए ये तो किसी को पता ही नहीं है। क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं हम लोग। यहाँ पे दिया है आपकी कक्षा के सभी बालकों का संग्रह, यानी कि आपके स्कूल में आपके कक्षा में कितने बालक हैं उसका संग्रह लिखना है। तो यहाँ पे तो कक्षा के सभी विद्यार्थियों की संख्या निश्चित होती है, ये तो नहीं कि 30 विद्यार्थी का उसमें एडमिशन है और 35 बनने जाए, इसलिए वह निश्चित होता है, इसलिए क्या है? यह समुच्चय है। जितना कक्षा के विद्यार्थियों की संख्या निश्चित होती है, इसलिए यह क्या है? समुच्चय है। हम लोग अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन 5 दिया है यहाँ पे, 100 से कम सभी प्राकृतिक संख्याओं का संग्रह। तो यहाँ पे क्वेश्चन दिया है, तो 100 से कम प्राकृतिक संख्याएं हम लोग का 2-3 से 2-3-4-5 से 99 तक है, यानी 100 से कम, 100 से कम यानी हम लोग को पूछ रहा है, तो 100 से कम क्या हो गया? 99, यानी कि 1 से लेकर के या 1, 2, 3, 4 से लेकर के क्या कहाँ तक? 99 तक हम लोग को लिखना है। तो हम लोग इसको इस प्रकार लिख सकते हैं, 100 से कम प्राकृतिक संख्या। सौ से कम प्राकृत संख्या क्या हो जाएगा हम लोग का? 1, 2, 3, 4 कहाँ तक हो जाएगा? 100 से कम यानी 99 तक। यहाँ पे क्या, 100 से कम प्राकृत संख्या 1 से 99 तक है, अतः यह क्या है? समुच्चय है। अतः यह है समुच्चय है। 100 से कम सभी प्राकृत संख्या पूछ रहे हैं हम लोग को, तो प्राकृत संख्या किसे कहते हैं? गिनती की संख्याओं को प्राकृत संख्या कहते हैं, आप लोगों को तो पता है ही। तो 100 से कम पूछ रहा है, तो 100 से कम प्राकृत संख्या क्या हो जाएगा हम लोग का? 1, 2, 3, 4 से लेकर कहाँ तक? 99 तक हो जाएगा। तो यह क्या हो गया हम लोग का? समुच्चय हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 6 देख लेते हैं हम लोग। लेखक प्रेमचंद्र द्वारा लिखित उपन्यासों का संग्रह, यहाँ पे क्वेश्चन है लेखक प्रेमचंद्र के द्वारा जितना भी उपन्यास लिखा हुआ है उसका संग्रह बताना है। तो लेखक प्रेमचंद्र के द्वारा लिखित उपन्यासों का संग्रह क्या है? लेखक प्रेमचंद्र द्वारा लिखित उपन्यास क्या है, किस नाम से हम लोग परिभाषित कर सकते हैं इसको? तो लेखक प्रेमचंद्र का उपन्यास एक लिख दीजिए, गबन हो गया, गोदान हो गया, ये सब क्या है? लेखक प्रेमचंद्र के उपन्यास है, तो लिख दीजिएगा गबन गोदान द्वारा परिभाषित है इसलिए यह क्या है? समुच्चय है। अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। सभी सम संख्याओं का संग्रह, यहाँ पे हम लोग क्वेश्चन है सभी सम संख्याओं का संग्रह। तो सम पूर्णांक क्या पूछ रहे हैं हम लोग का? तो सम पूर्णांक में क्या होता है, जैसे कि यहाँ पे माइनस -6 हो गया, -4 हो गया, इसके बाद क्या हो जाएगा? 2, 4, 6, ये क्या हुआ हम लोग का? यह सम पूर्णांक है, ठीक है ना? इसलिए यह क्या है?
इसलिए यह समुच्चय है। संपूर्णांक पूछ रहे तो हम लोग को -6 -4 हो गया, यहाँ पे -8 माइनस ये 2 का जो टेबल है उसको हम लोग कर सकते हैं, -8 -6 -4 भी हो सकता है, उसके बाद 2 4 6 8 ऐसे भी हो सकता है। ये हम लोग को क्या हो गया, संपूर्णांक हो गया। अगला क्वेश्चन है, इस अध्याय में आने वाले प्रश्नों का संग्रह, यानी कि इस अध्याय में जो जो प्रश्न है उसका संग्रह। तो ये तो हम लोग का निश्चित है कि इस अध्याय में मानकर चलिए 9 क्वेश्चन दिया है, तो 9 ही क्वेश्चन है, तो हम लोग 9 ही टाइप पढ़ेंगे, तो ये तो हम लोग का ये निश्चित है ना, तो इसलिए यह क्या हुआ, समुच्चय है। इसको हम लोग इस प्रकार लिख सकते हैं, इस अध्याय के प्रश्न परिभाषित है अतः यह क्या है, समुच्चय है। इतना तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन, विश्व के सबसे अधिक खतरनाक जानवरों का संग्रह। तो यहाँ पे हम लोग को बताना है कि विश्व के सबसे अधिक खतरनाक जानवर कौन कौन से हैं। तो संसार के सबसे अधिक खतरनाक जानवरों के संग्रह को हम लोग परिभाषित नहीं कर सकते हैं, नहीं किया जा सकता है, इसलिए यह क्या है, समुच्चय नहीं है। यहाँ पे ऐसे लिख दीजिए, संसार के सबसे अधिक खतरनाक पशुओं के संग्रह को क्या परिभाषित नहीं किया जा सकता है, सकता है, इसलिए यह समुच्चय नहीं है। अब हम लोग आगे के क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पे हम लोग का क्वेश्चन नंबर 2 दिया हुआ है। मान लीजिए एक सेट यहाँ पे दिया हुआ है हम लोग का, A 1 2 A = 1 2 3 4 5 6, इतना सेट हम लोग का दिया हुआ है। रिक्त स्थानों में उपयुक्त प्रतीक अथवा, यहाँ पे क्वेश्चन छूट गया है, इसको पढ़ते हैं, बिलोंग्स टू या नॉट बिलोंग्स टू भरिए। तो हम लोग यहाँ पे ध्यान देंगे, यानी इसका मतलब होता है कि जो 5 है, अगर 5 इसके अंदर रहेगा, हम लोग के ये ए के अंदर रहेगा ना, तो ये 5 तो यहाँ पे दिया है, तो रहेगा तो क्या लगाएंगे, बिलोंग्स टू, यानी कि क्या है, सदस्य इसका है, ए का सदस्य है ना 5, तो हम लोग लगाएंगे इसको बिलोंग्स टू। इसको हम लोग पढ़ते हैं बिलोंग्स टू, और इसको क्या पढ़ते हैं, नॉट बिलोंग्स टू। तो ये हम लोग का ए क्या है, इसका 5 क्या है, ए का सदस्य है, तो क्या लिखेंगे हम लोग, 5 बिलोंग्स टू ए। और ये 8 हम लोग के इसके 8 ए का सदस्य है, नहीं है इसमें तो 8 कहीं दिख नहीं रहा है, तो ये क्या है, नॉट बिलोंग्स टू हो गया। 0 इसका सदस्य है, नहीं है ना, तो 0 क्या हो गया, नॉट बिलोंग्स टू। अगला देखते हैं,
यहाँ पे देखिए चार चार इसके सदस्य है ना, एका चार, एक चार यहाँ पे दिया हुआ है, तो चार क्या हो जाएगा, फोर बिलोंग्स टू ए हो जाएगा ना, और टू भी है इसका सदस्य, तो टू क्या हो जाएगा, टू सॉरी यहाँ पे हो जाएगा हम लोग का फोर बिलोंग्स टू ए, टू भी सदस्य है तो टू बिलोंग्स टू ए हो जाएगा, और टेन भी सदस्य है तो क्या हो जाएगा, टेन सदस्य है यहाँ पे नहीं है, तो टेन नॉट बिलोंग्स टू ए, यानी कि दस ए का सदस्य नहीं है, यहाँ पे दो ए का सदस्य है, यहाँ पे चार ए का सदस्य है, इतना तो आप लोग समझ गए होंगे। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर थ्री, इसमें दिया हुआ है निम्नलिखित समुच्चयों को रोस्टर रूप में लिखिए। रोस्टर का मतलब क्या होता है, रोस्टर मीन्स होता है किसी भी पूर्णांक को मंझले कोष्टक के अंदर ही लिखना है, रोस्टर रूप में जब भी बोलेगा तो हम लोग क्या करेंगे, ये मंझले ब्रैकेट के अंदर ही लिखेंगे किसी पूर्णांक को। तो क्वेश्चन नंबर एक यहाँ पे दिया हुआ है, एक सॉस डेट एक्स एक पूर्णांक है और -3 लेस देन एक्स लेस देन 7, तो इसको हम लोग पूर्णांक के रूप में लिखेंगे, मंझले ब्रैकेट में इसको लिख देंगे, कैसे पूर्णांक के रूप में लिखना है, यानी कि 3 से कम लिखना है पूर्णांक में और 6 से एक कम, -3 का क्या हो जाएगा, -2 हो जाएगा, -1 पूर्णांक में लिखना है, तो 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 हो गया इसका आंसर। दो नंबर यहाँ दिया है, b इक्वल टू एक्स सच दैट एक्स, संख्या 6 से कम एक प्राकृत संख्या है, यानी कि 6 से कम एक प्राकृत संख्या लिखना है यहाँ पे हम लोग को, 6 से कम एक प्राकृत संख्या, सबसे पहले तो हम लोग मिडिल क्रॉस देंगे इसका, यहाँ पे 6 से कम एक लिखना है प्राकृत संख्या क्या हो जाएगा, प्राकृत संख्या किसे कहते हैं, गिनती की सभी संख्याओं को प्राकृत संख्या कहते हैं, तो 1, 2, 3, 4, 5 ये क्या हो गया, प्राकृत संख्या हो गया, और 6 से कम लिखना है तो हम लोग 5 तक ही लिखेंगे इसको। क्वेश्चन नंबर 3 में लिखना है, सबसे पहले इसको मैं मिटा देते हैं, दो अंकों की ऐसी प्राकृत संख्या जिसके अंकों का योगफल क्या है, 8 हो हम लोग का, तो दो अंकों का यहाँ पे संख्या लिखना है जिसके जिसको जोड़ने पर हम लोग का 8 आए, तो दो अंकों का वह संख्या कौन सा हो सकता है, और प्राकृत संख्या लिखना है, तो 1 और 7 क्या हो गए, प्राकृत संख्या हुआ, और 1 + 7 कितना हो जाएगा, 8 हो गया, और यहाँ पे ले लीजिए एक और संख्या ले लीजिए, 2 और 6 इसको ऐड कीजिए, 8 होता है कि नहीं, 8 हो गया ना, और यहाँ पे संख्या ले लीजिए 3, 5 क्या हो जाएगा, यहाँ पे 3 और 5 कितना हो गया, 8 हो गया, ये भी यहाँ पे ले लीजिए, अब 6, 2 इसको उल्टा लिख देना है, अब इसको ही उल्टा लिख देना है, कॉमा दे करके 5, 3, 6, 2, 1, 7 है तो क्या हो जाएगा, 1, 7 है तो क्या हो जाएगा हम लोग का, 7, 1 प्राकृत संख्या के रूप में लिखना है, अंकों का योगफल जिसका 8 हो, तो यहाँ पे हम लोग को यहाँ पे लिख दिया हम लोग 1, 7, 2, 6, 3, 5, 5, 3, 6, 2, 7, 1 इन सभी संख्याओं को जोड़ने पर क्या आता है, 8 आ जाएगा हम लोग को।